अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफ़सल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाफ़सल, एंड वी आर इन द मिड ऑफ द वीक। यानी मुझे लगता है आपने बहुत सारे काम वीक में कर लिए होंगे और बहुत सारे काम वीकेंड के लिए होंगे, लेकिन चूंकि हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस जा रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस अभी भी आपको उस तरह से ही करनी, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, वबा उस तरह से भी एग्जिस्ट भी कर रही है, उसके मसले मसाइल अभी वैसे ही हैं, तो आपको प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी। आज के प्रोग्राम के आगाज में एक सब्जेक्ट और एक कोट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं अपनी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट करती हूँ, व्हेन यू गो आउटसाइड गो इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज, कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिनको पॉलिश किया जा सकता है। आपका एक आइडिया आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आपके एक आइडिया पे आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। पाकिस्तान में कभी भी मैंने नहीं देखा कि मेरे सराउंडिंग्स में कोई एक आधा ऐसा बंदा ना हो जिसके पास कोई ऐसा इंडिविजुअल आइडिया हो जो कि किसी के पास, किसी दूसरे बंदे के पास ना हो। हाँ, अलबत्ता उस पर काम किस तरह से करना है, उसको पॉलिश किस तरह से करना है, उसको हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, दैट इज़ अप टू यू। और मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपका एक आइडिया आपका कुल असासा हो सकता है, उस पर काम कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आइडिया बेस्ड करता है आपकी उस सोच पर जिसके बारे में आपको अपना कॉग्निटिव प्रोसेस मजीद तेज़ करते हैं कि मुझे ये काम किस तरह से करना है, इसके लिए मुझे किन वसाइल की ज़रूरत होगी, और सबसे बड़ी बात है कम वसाइल में आप किस तरह से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह के एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कि आपकी एक सोच आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। आप इस चीज़ का गिला पाकिस्तानी अवाम से, कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपने हमें मौका नहीं दिया, मुलाजमतें नहीं है। पाकिस्तान में ये सारे मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। पेट्रियाटिक हूँ मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेके, मुझे पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, मुझे पता है कि यहाँ पे कितने मसले मसाइल हैं, मुलाजमत को लेके, माशी सूरत हाल को लेके, स्टडीज़ को लेके, हर फील्ड का मुझे अच्छे से पता है बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी आज़ादी हमें है वो काम करने की जो हम चाहते हैं किसी और कंट्री में नहीं है। आई एम टेलिंग यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान इज़ अ लव। मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ इस मामले में कि पाकिस्तान में जो चाहा चाहूँ मैं कर सकती हूँ। यही एक एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है कि अगर आपके पास एक आइडिया हो तो उसे किस तरह से उस पर काम किया जा सकता है, और आज यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसा उनका सफ़र रहा, मजीद क्या प्लान्स हैं, आपका तारुफ करा देती हूँ। सैयद अली तबरेज़ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के पहले लाइट आर्टिस्ट हैं। नैनोलिथिक ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए इन्होंने आर्ट किया है लाइट के साथ। मतलब मैं बोल रही हूँ, जहाँ मेरी पिच थोड़ी ऊंची हो रही है, जहाँ मेरी पिच थोड़ी कम हो रही है, वो इफेक्ट, वो इंटरेक्शन लाइट से होना, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज टोटली समथिंग एल्स। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू सर? मैं ठीक ठाक, थैंक यू जी एक इतने अच्छे तारुफ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे कि मेरी आवाज़ के साथ, लाइट्स के साथ कैसे खेला जा सकता है, और इसके अलावा ये एक नई नया इंट्रोडक्शन है पाकिस्तान के लिए, एक नई चीज़ है पाकिस्तान के लिए लाइट आर्ट, तो इसको डिटेल में हमारे पास एक पैकेज भी इन पर बना हुआ है, वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे, और इसके अलावा इनकी डिस्कशन भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कोई क्वेरी, कोई सवाल अगर है तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर हम लाइव हैं, आप शेयर कर सकते हैं, वो विल डिस्कस इन द प्रोग्राम एज वेल। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है, सहर तबरेज़ अफसल इनका नाम है, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डे केयर सेंटर को भी रन कर रही हैं, और बाकायदा बच्चों की आजकल रूटीन जो शदीद ख़राब हुई हुई है उसको किस तरह से क्वारंटीन में ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी रूटीन, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये समर वेकेशन है और काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बच्चों को उस रूटीन में रखना कि आपने स्कूल भी जाना है, आपने स्टडीज़ भी करनी है, आपने खेलना भी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, तो ये चीज़ें मेरे खास से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, क्या बच्चे आजकल ये चीज़ डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि छुट्टियाँ कैसे हमने गुजारनी है, रूटीन को कैसे मर्ज कर करना है अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सोहा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। और इनके तारुफ में एक बात ये भी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, ये हस्बैंड है, वो वाइफ है, किस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्वारंटीन में क्या क्या किया है इन लाइट्स के साथ, और इसके अलावा बच्चों की रूटीन के साथ क्या किया है, हम जानेंगे सहर से। तो मैं सब आपसे आगाज कर लेती हूँ। बड़ी ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि लाइट आर्ट पाकिस्तान की पहली जो आपने इंट्रोड्यूस कराई है। अब ये लाइट आर्ट, जब आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई आइडिया देखते हैं, वो आपको क्लिक करता है जी, आपको कब क्लिक किया, आपने कब से इस पर काम करना शुरू किया? देखिए, जो एक आइडिया होता है वो तो एक प्रोसेस के थ्रू आता है ना, एक आपको एक सोच आती है कि यार इसके साथ ये काम हो सकता है, और ये एक टेक्नोलॉजी 2016-17 में आई थी, और 2018 में इसको मैंने देखा था, मैं एक विजिट पे ओमान गया हुआ था, तब वहाँ पे कोई अमेरिका से लेके ये टेक्नोलॉजी आए हुए थे, तो मैंने वहाँ से फिर मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि
हमने बचपन से देखा है ट्यूबलाइट या बल्ब को बत्ती की शक्ल में, और हमें लगता है कि लाइट ऐसी है, बस फिक्स इसी शेप में। तो ये कंपनी नैनोलीफ कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उनसे मुंसलिक नहीं हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनकी जब ये लाइट्स देखी तो मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो एक मैं वैसे और काम करता हूँ प्रोफेशनली, मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं और कंपनीज वगैरह के साथ कम्युनिकेशन का काम करता हूँ, और मैं सोचा कि इसको जब मैं पाकिस्तान लाऊंगा तो इसको मैं यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करता हूँ। जब मैंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान मंगवाई तो उसके साथ मैंने खुद ही फिर डिज़ाइनिंग और उसके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया और उसको बड़ी डिटेल में मैंने समझा, और जब डिटेल में मैंने समझा तो पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि इसे मैं लाइट आर्ट बनाऊंगा, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इसके लाइट आर्ट बन सकता है। तो जब आप किसी चीज के अंदर घुसते हो, आप काम करना शुरू करते हो, तो आपकी फिर सोच पैदा होती है, एक्सप्लोर करते हो बिल्कुल, और ये सारा एक प्रोसेस होता है। तो उसी मरहले से मैं गुजरा और उसी मरहले में मुझे ये आइडिया आया कि यार इसके साथ तो बड़ी अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है, तुम्हारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस टेक की, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जिस कंपनी ने बनाया उन्होंने भी इसको इस तरह नहीं सोचा था कि इसके साथ हम आर्ट बना सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक क्वेश्चन आप ऐड कर लें कि वो कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, कनाडा की, कनाडा की कंपनी है, दे नेवर अप्रोच्ड यू फॉर दैट कि आप पाकिस्तान में इसको इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं इतनी प्रोडक्टिवली? नहीं नहीं, उन्होंने तब नहीं किया, मगर जब मैंने अपना काम करके इंटरनेट पे डालना शुरू किया तब उन्होंने इसको नोटिस किया और वो कहते थे कि भाई ये कौन है, ये काम क्या है, भाई ये कैसी एप्लीकेशन है। तो उस कंपनी के सीईओ जो इन्वेंटर है उस टेक्नोलॉजी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया और उनके साथ मुझे बड़ा बहुत इंकरेजमेंट मिली। फिर उनकी वेबसाइट पे मैं पहला, मुझे बड़ी फख्र के साथ मैं कहता हूँ, मैं पहला आर्टिस्ट हूँ पूरी दुनिया में जो कि उनकी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, और इस किस्म का लाइट आर्ट जो है वो हमने पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस किया उनकी टेक्नोलॉजी। दैट्स रियली गुड, और पाकिस्तानियों के पास ये टैलेंट मौजूद है कि चीज जहां भी जैसे भी एग्जिस्ट करती हो उसको हमने अपने तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये टैलेंट पाकिस्तान में भरपूर मौजूद है। हम मुसलसल लाइट्स की बात कर रहे हैं, लाइट आर्ट की बात कर रहे हैं। आयशा ताकि खसूसी रिपोर्ट है, हैव अ लुक। मिलिए लाहौर के रिहायशी तब्रेज बुखारी से जो पाकिस्तान के पहले लाइट्स आर्टिस्ट होने का एजाज रखते हैं। लाइट्स को पहली बार आवाज से कंट्रोल करने के साथ साथ फोन या टैबलेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिस्ट का कहना है कि कनाडा की कंपनी नैनोलैफ ने 2017 में इनके मुनफरिद आर्ट को सराहा और इन्हें टेक्नोलॉजी से आर्ट बनाने वाला पहला आर्टिस्ट भी करार दिया। ये एलईडी लाइट आर्ट मैंने ही इसको डिज़ाइन करना शुरू किया, पहले ये टेक्नोलॉजी 2016-17 में आई थी, लाइटिंग टेक्नोलॉजी थी नैनोलीफ की। तो इसको मैंने पाकिस्तान, इसकी क्वांटिटी मैंने मंगवाई 2019 में पिछले साल, और इसके साथ मैंने फिर डिजाइनिंग करना शुरू की। तब्रेज बुखारी ने बताया कि 1 से 2 वाट की इस तकोन लाइट की उम्र 25,000 घंटे से ज्यादा है। इस टेक्नोलॉजी ने ट्यूब और बल्ब लाइट की मार्केट को हिला कर रख दिया। ये लाइट दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है, इन्होंने बड़ी मेहनत कर दी है। और आपको जनरल लाइटिंग चाहिए कि कमरे में लाइट्स हो, आपको वो लाइट मिल जाएगी। आपको टास्क लाइटिंग की, आपने कोई भी काम करना हो उसके लिए आपको रोशनी चाहिए, आपको वो मिल जाएगी। आर्टिस्ट का कहना है तकरीबन 1 बरस वो हर रोज इन लाइटों को समझने और इनके मुनफरिद अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए कई कई घंटे मेहनत करते रहे, जिसके बाद इन्हें कामयाबी हासिल हुई। लाइटिंग आर्ट मुतारिफ करवाने वाले इस आर्टिस्ट का कहना है कि बहुत जल्द इस आर्ट में जिद्दत लाकर दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग डिस्प्ले भी बनाएंगे। कैमरामैन उस्मान सिद्दीक के साथ हमारे शो में लेके आती है, और आजकल हमारे शो का योनरा जो हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जिनकी स्किल्स को, जिनके आर्ट को पब्लिश करने की जरूरत है, और ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए। अगर आप अपने घर में मौजूद है टीवी स्क्रीन की उस तरफ हमें देख रहे हैं और आपने कोई ऐसा काम किया जिसको पब्लिश करने की जरूरत है, एक ऐसा आइडिया जो अब तक आपको लगता है मार्केट में नहीं है, सो डू विजिट, हम अपने कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म यकीनन सिर्फ आप लोगों के लिए। सर आपकी जानिब आऊंगी, अर्ली चाइल्डहुड की बात तो हम चले बाद में करेंगे, मुझे ये बताएं कि इस वक्त घर में माशाल्लाह देखिए अच्छी फैमिली है, बाबा भी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, अब आप भी अर्ली चाइल्डहुड को देखती हैं, तो घर में बच्चों की रूटीन को क्वारंटीन में कैसे मेंटेन किया आपने? पहले तो हमें एक हफ्ता डाइजेस्ट करने में लगा, समझने में लगा कि हमने कैसे चीजों को लेके चलना है,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें एक न्यू नॉर्मल डिफाइन करना था हमें अपनी आदत को और अपनी रूटीन को उस हिसाब से जो कि अभी की रिक्वायरमेंट है चेंज करना था. सो हम लोगों ने रूटीन का ये किया कि माशाल्लाह जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने इनिशिएट की एक हफ्ते बाद. जब उन्होंने शुरू में इनिशिएट की तो ये होता था कि बच्चे सुबह उठते थे उनको होता था कि ये क्या है हमें कंप्यूटर के आगे बिठा दिया आपने क्लास लेने के लिए. नॉट एट ऑल. और मेरा जो माशाल्लाह सबसे छोटा बेटा ही इज अबाउट 6 ईयर्स ओल्ड. बाकी दोनों तो माय सन इज 9 ईयर्स ओल्ड 10 ईयर्स ओल्ड और मेरी बेटी 9 साल की है. तो सबसे छोटा मेरा बच्चा है उसको तो सबसे ज्यादा टाइम लगा इसको न्यू मीडियम ऑफ एजुकेशन को एक्सेप्ट करने में कि अब मैंने अपने स्कूल के जो हमारे उस्ताद हैं उनसे इसके थ्रू हमने लिंक करना है इंटरेक्शन कैसे करनी है. अच्छा पहले क्या होता था कि बच्चे सुबह उठते थे नाश्ता करके उन्हीं नाइट सूट में क्लास अटेंड कर लेते थे. अच्छा अब पूरा दिन उसी में ही गुजर रहा था तो देर वॉज नो प्रोडक्टिविटी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमने दिन को कैसे आगे निकालना है. तो इसका जो बहुत अच्छा एक तरीका उस वक्त सजेस्ट किया गया हमें स्कूल वालों की तरफ से भी और हमने खुद भी सोचा कि सुबह उठ के अगर 10 बजे आपकी क्लास शुरू होनी है तो आप 8 बजे उठें आप अपना नहाएं धोएं नाश्ता करें और अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आप डिवाइस के सामने बैठें अपना बैग वगैरह आपकी एक एक चीज रेडी होनी चाहिए और स्कूल यूनिफॉर्म में जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो आपने उसी तरह बिल्कुल ड्रेसअप होके अपनी क्लास अटेंड करनी है. और उस पूरे टाइम में आप तीनों का आपस में जिस तरह स्कूल में इंटरेक्शन नहीं होता तो आपने नहीं आना कि मुझे ये पेंसिल दो या तुम इस कमरे में तो मैं आके तुमसे ये लूं. मतलब आपने पूरा क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट घर में बच्चों को देना है. लेकिन सर आपको पता है कि कितनी बुरी तरह डैमेज हुई है रूटीन बच्चों की. जी अब ये जो डेफिशिएंसी आ गई है अब हम अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं. ये गैप जो आ गया एजुकेशन सिस्टम में हम चूंकि बच्चों को यूज टू करा रहे हैं लेकिन हम जो डिजिटल पाकिस्तान पे शिफ्ट हुए हैं या स्विच हुए हैं मुझे लगता है ये कोविड-19 की ट्रेजेडी के बगैर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये पॉसिबल नहीं था. अब बाहर किसी कंट्री में जाए आप बच्चों से बोले बैग लेके आए तो वहीं तरह पूरा बैग और स्टेशनरी लेके आता दे हैव ओनली टैब टैबलेट. तो ये इस तरह से होता है ना. पाकिस्तान में ऐसा नहीं था लेकिन बच्चों ने अब तक इसको डाइजेस्ट नहीं किया. आपने बहुत कोशिश की है लेकिन बच्चों को लगता है नहीं बस खत्म हो जाए हम स्कूल जाएं बैग पकड़ें और ये वो ना. तो ये ऑनलाइन पे शिफ्ट करने के लिए मज़ीद आपको क्या लगता है कितना वक्त दरकार है बच्चों को इसको एक्चुअली. सोहा मैं आपको बताऊं कि ये जो जनरेशन है ना ये जनरेशन है ही टेक जनरेशन. हम एज पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करने में ज्यादा टाइम लेते हैं. वेरी ऑनेस्ट एज पेरेंट्स हमें होता है कि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि इस वक्त बिल्डिंग बंद है स्कूल बंद नहीं है. स्कूल चल रहे हैं इस वक्त. आप बिल्डिंग में नहीं भेज सकते बिकॉज एक वबा है और वो दुनिया भर में है. अब उसके अंदर हमें एक नया नॉर्मल जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ डिफाइन करना है ये पहले हमें खुद समझने की जरूरत है. मेरा एक मैं एक चीज को बहुत मानती हूँ कि एज अ पेरेंट जब तक मैं किसी चीज को नहीं मानूंगी और एक्सेप्ट नहीं करूंगी और अंडरस्टैंड नहीं करूंगी मैं अपनी औलाद को वो चीज नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकती. वेरी ट्रू. सो एज अ पेरेंट मुझे पहले जरूरत थी एक्सेप्ट करने की कि ओके एक चेंज आया है और बच्चों ने उसको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट किया क्योंकि बच्चों को हाँ वो मिस करते हैं अपने स्कूल जाना मिस करते हैं एक स्कूल की रूटीन स्पोर्ट्स को मिस करते हैं बहुत ज्यादा जो स्कूल में ऑफर होती है फ्रेंड्स को टीचर्स इंटर रैक करना सब कुछ मिस करते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपने बच्चों के साथ बात करते रहे उनको कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो उनको बताते रहे तो आपके बच्चे समझ जाते हैं. और सर मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी उसके मुताबिक किसी भी तब्दीली को डाइजेस्ट करने में या अपने आप को उसका यूज टू करने में आपको मैक्सिमम 21 दिन लगते हैं. ये टर्मिनोलॉजी है. इन 21 दिनों में अब तो इस लॉकडाउन क्वारंटीन को इतने सारे दिन हो गए तो फिर हम इस चेंज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे. मुझे लगता है कि ये ट्रेजेडी किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी एंगल से बहुत पॉजिटिव रही है कि जो हम लोगों ने ई कॉमर्स शुरू कर दिया हर चीज ऑनलाइन हो गई है. हमने कभी हम सोचते थे कि शॉपिंग करनी है तो मार्केट ही जाना पड़ेगा मॉल ही जाना पड़ेगा. अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं. तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी और 21st सेंचुरी जो एरा है हमें इसमें अब ये चीज डाइजेस्ट कर लेनी चाहिए अपना लेना चाहिए. मैं एक चीज ऐड करूंगी इस पूरे पेंडेमिक में एक फैमिली क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करने का मौका मिला है अपने घर वालों के साथ बिकॉज जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई थी बिजी हो गई थी. अच्छा मैंने पहले कुछ दिन पहले अपने शो का ना एक टॉपिक रखा हुआ था एक मेन थीम था लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स. जी आपको याद होगा हम लोग आप लोगों को तो अपना बचपन याद होगा ऑब्वियसली इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे दस्तरखान पे अम्मा अब्बा के साथ खेलना कूदना मतलब वो चीजें जो हमने इतने अरसे से नहीं की थी अब इस क्वारंटीन ने हमें करा दी है. तो ये सब आप बताएं इस क्वारंटीन को प्रोडक्टिवली कैसे यूज किया इस लाइट्स आर्ट में. मेरे ख्याल से आपके पास तो बहुत सारा टाइम होगा मजीद खेलने का.
तो फ्यूचर में आप भी लाइट आर्ट को किस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नई चीज क्या लेके आ रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये क्वारंटीन के बीच क्वारंटीन में मैंने लाइट आर्ट के ऊपर कोई इतना काम नहीं किया, मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उससे पहले मैं कोई एक डेढ़ साल हर रोज बगैर किसी उसके मैं इसी पे लगा रहा। और जिस तरह सहार ने बताया कि ये एक बड़ी अच्छी हमें एक मौका मिला है फैमिलीज को, लोगों को, कि वो अपने रिश्तों की तरफ दोबारा वापस जाएं, उसके बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, तो ये जो दो तीन महीने थे इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स किए, मुझे काम ज्यादा मिला है इस क्वारंटीन के अंदर। okay. जी पैंडेमिक के अंदर, क्योंकि लोग अब घर के अंदर ज्यादा होते हैं तो घर के बारे में सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जो मैं बनाता हूँ ये मैं डिकोर बनाता हूँ तो उनके घर के लिए जाके बताऊँ, और मैं बड़े सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करता हूँ सबके, क्योंकि ये इम्पोर्ट होती है टेक्नोलॉजी और इसको मेरा मेन काम कोई और है, ये मैं एज ए पैशन करता हूँ और इसको मैनेज किया। और इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे तो फ्यूचर है जिसकी पोटेंशियल, अभी तो इसकी मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो तो मैंने अपने मुल्क के अंदर अभी शुरू करनी है। अभी तो जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, और ये कोरोना की बात से पहले मेरी बातचीत जो थी वो बड़े मॉल्स के साथ, दफ्तरों के साथ मेरी बात, आप समझें कि बस इख्तिताम उस पर थी कि हम प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा एक मैं लाइट आर्ट डिस्प्ले बना रहा था एक लाहौर के बहुत बड़े एक शॉपिंग मॉल में, और हमने उसके ऊपर काम भी शुरू करना था, मगर अब सारा निजाम ही बदल गया। अच्छा, क्वारंटीन ने बहुत कुछ मुतासर तो किया, लेकिन तबरेज़ साहब मुझे बताएं कि आपने कहा है कि बाकायदा एज ए इंडिविजुअल आप इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, एज ए प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, फिलहाल कोई कंपनी चला रहे हैं आप या फिर अपनी कुछ टीम है आपके साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, फ्यूचर क्या प्लान है आपके? मतलब पाकिस्तान में अगर आपने ये आर्ट इंट्रोड्यूस कराना है तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर काइंड ऑफ कंपनी, प्रॉपर काइंड ऑफ नेम, राइट? जी जी, मेरी 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 कंपनी है, उसका नाम लाइट आर्ट विद नैनोलीफ है, क्योंकि वही काम हमने इंट्रोड्यूस की है। नैनोलीफ टेक्नोलॉजी है और हम वाहिद कंपनी है पूरी दुनिया में जो कि उसके साथ आर्ट बनाते हैं। तो हम इंटरनेट पे भी हम लाइट आर्ट विद नैनोलीफ के नाम से हमारे मीडियम्स हैं, हमारे अपने अकाउंट्स हैं जहाँ पे हम अपना सारा काम डालते हैं, लोग हमें उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। और ये तो अभी वबा जा नहीं रही कहीं पे, ठीक है, हमने इसी के साथ जीना सीखना है, जिस तरह सार बता रही थी कि ये न्यू नॉर्मल है। तो अब इसी 3 महीने 4 महीने गुजर गए और लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं, वो मिक्स कर रहे हैं कि अच्छा जी हमने अपने आप की भी एहतियात रखते हुए हमने किस तरह दुनिया में वापस जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो रहा है, और इसकी जी जी, और इसकी अभी कमर्शियल एप्लीकेशन है कि हम बहुत खूबसूरत इससे आर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह दफ्तरों में, पब्लिक प्लेसेस पे, और जो हमें एंगेज करेगा उसमें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इंटरनेशनली भी इसके ऊपर से काम की बड़ी ऑफर आ रही है। अभी कोरोना से पहले मैं जापान में कॉमिक कॉन होता है टोक्यो में, एक यकोता कॉमिक कॉन, मुझे वहाँ से इनविटेशन आई थी कि आप अपना आर्ट लेके उधर आएँ। मेरी स्पेन में, मेरी कैनेडा में बातचीत चल रही थी, मुझे वहाँ से इन्विटेशन आई थी कि एक नई चीज़ है, लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। आर्ट तो वो चीज़ है ना जो कि सुन के देख के अच्छा लगे, आर्ट वही चीज़ होती है बिल्कुल, जो आपको इफेक्ट करे, जिसके साथ आप रिलेट कर सकें। तो ये जो आर्ट हम बनाते हैं ये अल्लाह का करम है, इसको देख के भी और इसके साथ आप अपनी आवाज से भी जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत बहुत मजा आता है। आज एक एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी बनती है, मेरा शायद मैं आपको उस तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊं, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्क। तो अब आगे इसका बहुत अच्छा हमें फ्यूचर नजर आ रहा है। ये चीजें जो है ना कहीं पीस ऑफ माइंड देती हैं आपको, जब आप कोई चीज अट्रैक्ट कर रही होती है, अच्छी लग रही होती है, आपके घर में वो चीज होती है, आपको सब पीसफुल चीज ये लग रही होती है कि ये आपका आइडिया है जो लोगों को क्लिक कर रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही होती है। अच्छा सर, आप बताएं, तब्रेज़ घर में काम करते हैं, ये एक आर्ट का काम है, कॉग्निटिव प्रोसेस आप एक्सप्लोर करते हैं आप चीज़ों को और बड़े गहराई से सोचते हैं, फिर आप भी डे केयर सेंटर चलाती हैं और बाकायदा बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो होती है उसको देख रही होती हैं, घर में जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? मतलब वो अबा को देख के कहते हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी बताएं, इस तरह की रिसर्च और इस तरह की क्रिएटिविटी है बच्चों में? बच्चे घर पे, तो घर तो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो घर में बच्चों का वही होता है कि डिसिप्लिन के थ्रू हमारे कुछ असेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपने ये अपना कमरा टाइम पे साफ करना है, और हर चीज के ऊपर रिवॉर्ड तब मिलता है, आई हैव दिस पॉलिसी यू हैव टू अर्न योर रिवॉर्ड, कि आपको अगर टॉय खरीदना है तो आपको टॉय तभी मिलेगा या आपको कोई चीज वो तभी मिलेगी जब आपको जो ये काम है अपना आप इसको फिनिश करेंगे। तब्रेज़ से मेरा बड़ा बेटा बहुत फैसिनेट, ही इज माशाल्लाह 10 इयर्स ओल्ड एंड ही इज इन द मेकिंग ऑफ बिकमिंग द आई सपोज द यंगेस्ट मोस्ट लाइट आर्टिस्ट इन वो शुरू से। जी जी, वो मेरा बेटा भी
और मेरी बेटी भी और यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा भी, ये शुरू से ही मेरे साथ इसमें काम के अंदर है। और इनफैक्ट जो इसे बनाने का आइडिया जो है वो मुझे मेरे छोटे बेटे और एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप इसे कोई डिजाइनिंग क्यों नहीं शुरू करते हैं। अच्छा। तो वो एक छोटी सी बात होती है जो कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाती है और एकदम से वो पता है, मुझे लगता है बच्चों का ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा तेज होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी कंपैरेटिवली, हमें तो चले वो टेक्निकलिटी पता होती है ना, बच्चों को आर्ट पता होता है कि ऐसे करेंगे तो अब्बा ऐसा लगेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा लगेगा, दुनिया ही कुछ और है। Exactly. They're very vocal, honestly vocal, pure emotion एकदम से आपको एक आइडिया दे देता है उनका कि अच्छा अब बाबा आप इस तरह कर ले इस चीज को। तो माशाल्लाह बच्चों के साथ तब्रेज़ जब घर पे होते हैं तो वो इन्वॉल्व करते हैं उनको इन अ टीम वर्क कि आए मेरे साथ, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस लाइट्स को लगाने का, इट्स नॉट इट बहुत एक्सट्रेनुअस प्रोसेस है अगर आपने उसको करना होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ सॉरी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमें बच्चों में भी और अपने अंदर भी ना, अगर हमने जिंदगी में कुछ भी करना है ना, हमें अपने पैशन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अपने बच्चों के अंदर और बचपन से आप वो कोई भी चीज अगर अच्छी करते, किसी चीज में भी इंटरेस्ट लेते, उनको इनकरेज करें, उनके अंदर पैशन डालें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो शुरू में कहा कि बाबा स्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे घर में बाबा स्ट्रिक्ट नहीं है, हमारे घर में मामा स्ट्रिक्ट है। और बाबा जो है वो बाबा बड़े दोस्त है, बाबा बड़े चिल्ले हैं इस मामले में, मामा है जो की जी वो पूरी रेगुलेटर है घर की। किसी को करना पड़ता है, किसी को प्रिंसिपल बनना पड़ता है, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं हम लोग। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी जब तब्रेज़ माशाल्लाह पेंडेमिक से पहले तो ही वाज वेरी बिजी, मतलब इन्होंने अपना पूरा एक लाइट आर्ट का सेंटर स्टूडियो था जो कि डिस्प्ले सेंटर था, यूजुअली चूंकि लाइट्स का काम है तो ये काम इवनिंग में शुरू होता था। सो बच्चे स्कूल से वापस आते थे, तब्रेज़ फिर काम पे होते थे, तो जो इंटरेक्शन थी वो ओवर द वीकेंड होती थी। सो अगर मैं वालिद का डर डाल दूं बच्चों में जिन्होंने उनसे मिलना ही कम है, तो वालिद के साथ वो कम्युनिकेशन कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी बच्चों की। एंड आई रियली वांट कि वो हो, मैं तो 24 घंटे उनके साथ हूं। अच्छा खुदा सर, आप तब्रेज़ आपने एक बात की इनकरेजमेंट की, अप्रिसिएशन की, आपको पता है आजकल के बच्चे इस तरह के हैं कि दे हैव सो मेनी थिंग्स ओवरहेड, मतलब उनके पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए, बशर्ते कि वो इतने वोकल हो आपको आपसे डिस्कस कर सके। और आजकल मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स से बेहतर कोई भी, यकीन करें इस दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके पेरेंट्स ये दो पर्सनालिटीज एक ऐसी पर्सनालिटीज होती है जिनसे आप हर बार डिस्कस कर सकते हैं। रही बात आर्ट की, तो बच्चों के अंदर आर्ट बहुत है, बशर्ते कि हम उन्हें बता सके कि आपने जो करना है आप करें, बहुत जरूरी है ना, आप उन्हें लेट देम फ्री कि आप टू कम आउट ऑफ दैट नोशन कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनेगा वो तभी सक्सेसफुल है, या मेरा बेटा अगर अकाउंट्स में जाएगा वो तभी सक्सेसफुल है। आपको अपने बच्चे का एक रुझान देखने का बहुत जरूरी है, कि आपके बच्चे का रुझान देखना बहुत जरूरी है। जी, दुनिया बदल गई है, बदल गई है, और हम हमारे मिजाज बदल गए हैं, और हम खुद क्योंकि अब वालदैन हम हमारे बच्चे छोटे हैं, तो पेरेंटिंग में भी आपको देखते हैं ना कि डिफरेंट एज होती है, आपके बच्चे छोटे हैं या यू नो कॉलेज गोइंग है, तो अभी हम सब जो हैं हमारी हम सब एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, और हमें पता है कि दुनिया के अंदर अब और बड़ी ऐसी फील्ड्स आ गई हैं जिनके थ्रू आप अर्न करते हो, सिर्फ वो जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनो या अकाउंटेंट बनो, ऐसी कितनी फील्ड्स आ गई हैं जो कि तब थी नहीं जब आप और हम कॉलेज में जाते थे या हमने किया था। और तब्रेज़ में आपको एक बात बताऊं, आप तो लाइट आर्ट की बात कर रहे हैं ना, आपके बच्चे से एक दफा आप पूछें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, लेट देम डू, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दे, उनकी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप भी वहां मीट नहीं कर सकते जहां पर आपके बच्चे मीट कर रहे हैं। तो एक दफा उन्हें मौका देके जरूर देखें। मजीद भी सवाल से बात करेंगे, छोटे से ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हो सकता है कि आप लोगों ने अपने दिन का आगाज और उसी मायूसी के साथ किया हो कि कोविड-19 है, वीकेंड आ रहा है, सो व्हाट्स द बिग डील, रूटीन की बात है। लेकिन नहीं, अब हम चूंकि ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ अपने वीकेंड का आगाज करें, इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी होंगी। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं, कैनन फार्मिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस खूबसूरत से येलो वार्डरोब की बात की जाए तो रिफत ताहिरा का वार्डरोब है, और मैंने हमेशा देखा कि फैशन पहले ज्यादा थी तो 10 साल बाद रिपीट होता था, अब 2-3 साल बाद रिपीट होता है। तो जो शीशा वर्क है ये दोबारा से इन मार्केट आ चुका है, अगर आप चाहते हैं अपनी पसंद से स्टिच कराना चाहते हैं, स्टफ आपकी पसंद का हो, तो रिफत ताहिरा को आप विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इसके अलावा अगर आप फिजिकली जाके शॉप आउट करना है तो दी मोड वाई ब्लॉग पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, डू विजिट, और ईद के लिए अच्छी कलेक्शन वहां पर अवेलेबल है। प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम लेते हैं और ब्रेक लेते हैं
तो ब्रेक में भी हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ब्रेक से मैं प्रोग्राम के ब्रेक में डिस्कस करी थी कि कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और मैं ये बात हमेशा अपने प्रोग्राम में करती हूँ, बारह दफा आपने मेरे मुंह से बात सुनी होगी, मुस्तकिल मिजाजी आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो काम इतने बेहतरीन अंदाज में करें कि आपको कोई नीट ना कर सके, जो काम आपकी एक्सपर्टीज उस काम में हो वो कोई भी उसको उस एक्सपर्ट तरीके से ना कर सके। तो ब्रेस इस काम का आपने आगाज किया, इनिशियली बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा इट्स अ बिग डील, लाइट सी है ना, काम ही करना है, वेरिएशन ही है, ये तो बहुत सारे मजदूर भी कर लेते हैं, ये तो बहुत सारे लाइट आर्ट के लोग भी कर सकते हैं, इसमें क्रिएटिविटी लेके आना और बाद में अपने आप को मनवाना कितना वक्त लगा आपको इसमें? मुझे ऑनेस्टली इसके ऊपर कोई तकरीबन 9 महीने लगे हैं, और 9 महीने हर रोज का काम, और रिजेक्शन होती है, और रिजेक्शन जब होती है तो बुरा लगता है, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से कुछ कर रहे होते हैं और आप चाहते हो कि अगले आपकी नज़र से उस चीज़ को देखें, अगले उसको अपनी नज़र से देखते हैं, और आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने उनकी निगाह को अपनी निगाह पे कैसे लेके आना है। और अगर आप रिजेक्शन को अपने दिल पे ले जाओगे तो आप तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है। क्या खोया आप? और जहाँ पे आप कुछ पाते हो वहाँ पे आप कुछ खोते हो, जिधर आप कुछ खोते हो वहाँ पे आप कुछ पाते हो, जहाँ पे एक इख्तिताम होता है वहीं पे एक नया आगाज़ होता है, और जहाँ पे एक आगाज होता है वहाँ पे किसी चीज का इख्तिताम होता है, और इसी तरह जो हमारी जिंदगी है वो चलती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने सारे प्रोसीजर में जब आपने काम करना शुरू किया, डिस्करेजमेंट भी आई, हर्डल्स भी आई, मसले मसाइल भी आए, आपने क्या खोया इस दौरान? मैंने बहुत कुछ खोया। मैंने एक काम कर रहा था, एक जगह पे नौकरी कर रहा था, बड़ा सेटल था मैं 11 साल से वहाँ पे, मैं एक रूटीन थी मेरी, अपने आप को दुनिया से काट के घर के अंदर बंद करके इस चीज़ को सारा दिन करना, अपने बीवी बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारना, और अपनी रोजी रोटी मैंने बिल्कुल रोक दी थी 9 महीने के लिए, मैं कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपने आर्ट के लिए, शौक के लिए, बिल्कुल, क्योंकि एक आइडिया था और मैं उसको, जिस तरह आपने बात कही कि मैं उसमें महारत चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं इसके अंदर ऐसे घुसूं कि कोई ना घुस पाए। मैं आपको एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं की कि जब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान आया था तो एक जनाब थे कराची में जो कि इसको लेके आ रहे थे, और मैंने कहा था कि आप इसके साथ, इसके ऊपर मेरे साथ मिलके काम करें। मैं इसके ऊपर अभी बड़ी अच्छी एक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और मेरे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में किसी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर सारा देखा है। तो उन जनाब ने मुझे कहा कि यार मेरे ख्याल से आप किसी अपने बुलबुले में रहते हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा इल्म है। तो मैं इस किस्म का आदमी हूँ शुरू से, कि मैंने इस चीज़ में यकीन रखा है कि अगर कोई आप पे तनकीद करता है तो आप अपने काम से उसका जवाब दो। ओके, दैट्स राइट। और मैं फिर इस चीज़ के अंदर ऐसे घुसा, और मुझे मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की मुझे बहुत सपोर्ट थी, बहुत इंकरेजमेंट थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरी वाइफ की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे बच्चों की, और मेरे एक्स कॉलीग की, सब ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया इसमें। और क्योंकि आप, ऐसा नहीं होता कि हर रोज ही आपके अंदर ना वही मोटिवेशन का लेवल होता है, किसी दिन आप खुद ही थक जाते हो, बिल्कुल आप लो हो जाते हो, तो उस वक्त आपके लिए लोग होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, जब आपको कहते हैं हिम्मत ना हारो आगे चलो, तो कभी कभार अकल की जरूरत होती है कि आपको कोई और कॉमन सेंस दे दे। और मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे तो आप कभी भी एक जगह पे नहीं जा पाएंगे, आपको उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, और उस प्रोसेस के अंदर बड़े झटके होते हैं, बड़ी रिजेक्शन होती है, और तभी जाके आपको, अब ये देखें, ये एक सक्सेस थी, एक सक्सेस है मेरी जिसके ऊपर से अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिकॉग्निशन आ रही है कि जी आपने एक नया लाइट आर्ट बनाया, एक ब्यूटीफुल आर्ट बनाया। लेकिन देखिए, तब्रीज सक्सेस तो मिली, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी जो होती है, अब अगला बंदा जो हमें आज देखेगा या तब्रीज को आज देखेगा, वो ये इसको एज्यूम करेगा कि नहीं वो लाइट आर्ट करते हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे वो एक जर्नी है, उसके लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है वो भी एक क्रक्स है आपकी लाइफ का, क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि कैसे मैनेज करती हैं, देखिए डे केयर सेंटर में वही बच्चे, घर आकर अपने बच्चे, तो बच्चों को मैनेज करना, और अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आजकल की पेरेंटिंग में हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कोई एक चीज मिस हो रही है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो पहले जैसे नहीं है, या पहले जैसे, हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे भी चेंज हो गए हैं, हमें पेरेंटिंग के तरीके भी चेंज करने पड़ेंगे, हम कहाँ लैक कर रहे हैं? हमें कंपैरिजन ही करना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वक्त ही बदल गया। यस, ये क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना, अब जो मेरा बचपन था, मेरे बचपन में बहुत आसान था, बाहर निकलो, खेलो, लॉन में खेलो, घर के पास कोई पार्क है उधर खेलो, हम लोगों की रूटीन्स बहुत फर्क थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होती थी, और बहुत
एक सिंपल सा माहौल था एसटीएन पीटीवी के जमाने में हम लोग बड़े हुए थे, मतलब एक मैक्सिमम जो शो होता था वो ऐनक वाला जिन लगता था 4 बजे जो कि हम देखते थे, और लिटरली एसटीएन के कार्टून्स जो थे वो 8 o'clock पे लगते थे एंड 9 o'clock खबरें लगती थी, अम्मा अब्बा बैठ के वो देखते थे, हम सोने चले जाते थे। We don't have any option at that time, कुछ नहीं था हमारे पास, और उसमें मतलब वो बहुत एक सिंपल टाइम था। आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होना शुरू हुए, टाइम्स चेंज हुआ, इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मेरी शादी 2009 में हुई है एंड आई वॉज अ स्टे होम मदर फॉर 8 years, मैंने 8 साल घर रह के बच्चों का पहले ख्याल रखा, शुरू से काम नहीं करी, शुरू से नहीं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ साथ में जी चाहा तो कर लिया, अपनी एजुकेशन भी मैंने पढ़ाई भी तीसरे बच्चे के बाद कम्प्लीट की। तो देर इज नथिंग कि अगर आपकी शादी होती है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते या आप काम नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो बच्चों में कोई फर्क नहीं है बिल्कुल, बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं वो आजकल के दौर के हिसाब से बड़े हो रहे हैं और आजकल की जो पेरेंटिंग है वो इतनी आसान नहीं है बिकॉज अब दोनों माँ बाप नौकरी करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो जिस किस्म की आपके वसाइल हैं आपने उनको अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए आप एक बंदे पे प्रेशर नहीं डाल सकते एंड उसके लिए और माशाल्लाह 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 इस दौर में आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान में औरतों को वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, औरतों की पढ़ाई को उनके हकूक को वो अहमियत देनी दी जा रही है अब। तो उस वजह से अब जब हमारी मार्केट में औरतें काम करती हैं उसी तरह मर्द भी करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चा कोई हर्डल नहीं है आपके लिए या आपकी फैमिली लाइफ कोई हर्डल नहीं है, आप सब कुछ आराम से साथ साथ लेके बैलेंस करके चल सकते हैं। देखिए सर, टीम अप करके आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, मेरे प्रोग्राम में कोई भी आता है ना, कोई भी गेस्ट आता है, पर्सनली मैं भी उनसे बहुत सीखती हूँ। अब आप जो बात करिए वो एक लाइफ एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ खवातीन यू नो बींग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरे एजुकेशन की वजह से, मेरे काम की वजह से, बींग अ वर्किंग वुमन मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं महसूस करती हूँ कि पाकिस्तानी मॉस्ट्रे में एक तो इस्लामी मॉस्ट्रे हमारी शरीयत हमें सिखाती है, दूसरा बींग अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सोसाइटी लोग हमारी इज्जत करते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा, लेकिन लेम एक्सक्यूज भी बहुत आते हैं खवातीन की जानिब से, बच्चे हो गए नहीं पढ़ सके, हस्बैंड का काम संभालना है, घर संभालना नहीं जा सके, काम नहीं कर सके, इट्स बीन लाइक 8 years, 8 साल तक आप घर रही हैं उसके बाद आपने काम शुरू किया, ये आपने स्टडीज भी साथ साथ की, इस जर्नी को आपको शेयर करना और इसमें वो एक ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको कांस्टेंट रखा है, क्योंकि हमारी खवातीन लेम एक्सक्यूज यही देती है नहीं कर सकते शादी हो गई है, शादी से एक्सक्यूज बेसिकली। सोहा आई थिंक आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत होती है, आपने अपने लिए एक बार सेट करनी होती है कि अब जिस तरह हमारे माशरे में एक लड़की की शादी हो जाना उसका सेटल हो जाना इज द अल्टीमेट गोल जो के कहा जाता है कि तुम्हारी शादी होगी अब तुम्हें क्या जरूरत है, तुम सेटल हो गई अब तुम पढ़ाई क्यों करोगी, अब तुम क्यों नौकरी करोगी, यू डोंट नीड टू वर्क फॉर योरसेल्फ, एग्जैक्टली। तो जो होता है ना कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है इसको आप खुद रिकग्नाइज करते हो और ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, ये आपको एक बहुत फैमिली सपोर्ट चाहिए, आपको हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए, आपको इन लॉज की सपोर्ट चाहिए, आपको अपने घर वालों की सपोर्ट चाहिए, बच्चों की सपोर्ट चाहिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। अब मतलब जिस तरह मेरे इर्द गिर्द जब मैंने अपने स्टडीज कम्प्लीट कर रही थी मैं तो एवरीबडी इन माई फैमिली फ्रॉम माई फादर मेरे वालिद साहब ने जितने मेरी मदद की फ्रॉम माय हस्बैंड एवरीबॉडी वाज वो एक गोल था जिसको अचीव करना है। अब ये हमारे फैमिली सिस्टम में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत जरूरी है कि आप उसको एक लड़की का अगर गोल है वो चाहती है कि वो पढ़ाई करे वो चाहती है वो नौकरी करे तो एज अ फैमिली आप उसको सपोर्ट करें, ये नहीं हो सकता कि ब्लेस्ड इन दिस मैटर ना, आप ब्लेस्ड हैं इस मामले में। हमारे बहुत सारी खवातीन देखिए ऐसी भी होती हैं जो ये एक्सक्यूज करती हैं कि हमारी शादी होगी तो हम आगे स्टडीज नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं हमारे मॉस्टर में। तो जो चीज चेंज करने की जरूरत है वो हमारी बेस है, वो ग्राउंड रियलिटी है। अगर एक फैमिली ऐसी होगी, पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बेटे को भी इजाजत देंगे, अपने बहू को भी इजाजत देंगे, तो सिस्टम आसान होता है। आई मीन अब जिस तरह मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर मैंने किसी चीज को एक्सेप्ट करना है, अपने बच्चे से एक्सेप्ट करवाना है, तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो घर के बड़े होते हैं जब तक वो किसी आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से बेस चेंज करनी, ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और हम बाकी आदमी एक बात बहुत अच्छी की हम कंपैरिजन नहीं कर सकते,
बच्चों की पेरेंटिंग का तरीका चेंज हो गया है। हम उन्हें ये नहीं कह सकते हमारे जमाने में तो आप बोलते भी नहीं थे, हमारे जमाने में तो बच्चे पापा से ऐसे बात नहीं करते थे या कुछ इस तरह की ख्वाहिश का इजहार नहीं करते थे, मतलब हम उन्हें ये नहीं कह सकते, ये उनके तरीके हैं, हमें उनको उस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से आजकल ये चीज करके हम अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे और अपने बच्चों के लिए। आप डिफाइन लिमिट्स हैं, मतलब आपकी जो मॉरल ग्राउंडिंग है, मतलब जो आपकी तरबियत की बेस है कि आपने वाले साहब से, आपने बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आपने जो अपनी राय का इजहार करना है वो बहुत तमीज के दायरे में रहते हुए करना है। लेकिन एज पेरेंट्स आप हमसे आके हर बात पूछें, हमसे आके बात करें, जिंदगी में आप कुछ एक्सपीरियंस करें हमें जरूर बताएं, बिकॉज हम गाइड ही नहीं कर सकते। अच्छा सर, देखिए वो तो बेसिक्स है ना कि आपने इत्राम से बात करनी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आपने कोई बात मनवानी उसका एक तरीका है, जिद नहीं करनी, ये तो बेसिक्स है, ये तो बच्चों को पता होता है कि पेरेंट्स साथ ये नहीं करना। लेकिन ये एक आजादी होनी चाहिए, ये यू नो ये फील सेटिस्फाई होना चाहिए कि आप कोई भी बात जाके अपने पेरेंट्स से कर सके। तो प्लीज आप मुझे बताएं ये जो लाइट्स की हम बात करें इसमें म्यूजिक का इफेक्ट भी आपने ऐड किया हुआ है और वोकल का, मतलब वॉइस का, आपका वॉइस से इंटरेक्शन होता है, आप ऊंची आवाज से बोलते हैं तो उसके लाइट्स इफेक्ट्स और होते हैं, आप लो वॉइस में बोलते हैं पिच लो होती है आपकी तो उसके इफेक्ट्स और होते हैं, इसको आपने कैसे ऐड किया? जी ये नहीं, ये टेक्नोलॉजी के अंदर ही उनका एक हिस्सा था, ये तभी तो इन्होंने दुनिया की मार्केट में आके अपनी टेक्नोलॉजी से लाइटों की इंडस्ट्री को लाया था कि इन्होंने ना जो ये टेक्नोलॉजी निकाली नैनोलीफ की, ये आपकी नॉर्मल लाइटिंग को भी मीट कर ले, और उसके अलावा एक उन्होंने इसके साथ एक मॉड्यूल लगाया जो कि हर आहट को, हर आवाज़ को उठाते और रंगों की शक्ल में तश्कील करता है। तो मैं जो आर्ट बनाता हूँ उसके अंदर रंगों की लहर के अलावा जब हम उसका साउंड मोड ऑड करते हैं तो जितनी भी कमरे में बात हो रही होती है या आपने म्यूजिक लगाया हो वो हर बीट को, हर चीज को उठा के एक कलर की फॉर्म में या एक इफेक्ट में उसको करता है, कैच करता है, बिल्कुल कैच करता है और उसको कलर में ट्रांसलेट करता है। तो इस आर्ट का सबसे ज्यादा मजा ये है, और ये मॉडर्न स्मार्ट आर्टिस्ट को इसीलिए कहते हैं कि आपने जिस तरह एक पेंटिंग बनाई है या आपने कोई और आर्ट फॉर्म है, आप उसको देखते हैं तो आप खुद अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं कि अच्छा यू नो हर हर इंसान को एक आर्ट अपने नजरिए से नजर आता है। बट जो ये लाइट आर्ट है अगर आप इसके पास जाके खड़े और आप इससे बात करें तो जब भी आप बात करेंगे ये तब ही रिस्पॉन्ड करता है उसमें, तो तभी ये इंटरैक्टिव लाइट आर्ट बनता है। तो ये टेक्नोलॉजी थी और इसकी अच्छी एप्लीकेशन जो थी, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपके एस्थेटिकली आपको अपील करे, वो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी डिजाइनिंग के अंदर वो और नुमाया हो गई। अच्छा म्यूजिक की बात आपने की, आपने ये भी मैं डिस्क्राइब किया था इनिशियली कि 16 मिलियन कलर्स यूज़। जी जी जी। कौन कौन से कलर, किस किस इफेक्ट से 16 मिलियन कलर्स है, यू नो लाइक समथिंग लाइक एनीथिंग। जी देखिए कलर्स जो होते हैं ना वो आपकी डिजिटल लैंग्वेज या आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वो RGB रेड ब्लू ग्रीन ब्लू इन्हीं के टोन्स होते हैं, इन्हीं के शेड्स होते हैं कि आप इनको मिक्स करते हैं तो आपको कलर्स मिल जाते हैं, या दूसरे होते हैं CMYK के। तो इसके अंदर RGB की टोन्स जो हैं वो 16.7 मिलियन कलर्स की टोन निकालती है, आपको जो मर्जी रंग चाहिए हो। देखिए हम अब एक बड़े ही स्मार्ट वर्ल्ड में रहते हैं, इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट है हमारी, के हमें अब कहीं पे उठ के कुछ करना नहीं होता, हमारे फोन के थ्रू ही हम अपना TV भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपनी लाइटों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने पंखे को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन 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 लाइट्स के भी और इस आर्ट को भी जब मैं बनाता हूँ तो इसका कंट्रोल जो है इसकी ऐप के थ्रू हो जाता है, और आप इसके अंदर जो मर्जी रंग चाहें आउट ऑफ 16.7 मिलियन कलर्स आप वो रंग का नंबर वहां पे डालते हैं और आपको गूगल से सब मिल जाता है कि भाई अच्छा मैं चाहता हूँ यार ये बर्गंडी कलर हो या मरून हो या मजेंटा हो या बेबी पिंक हो, तो आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखे बेबी पिंक RGB और वो आपको उसके वो न्यूमेरिक वैल्यूज बता देंगे। आप सिर्फ वो इतनी ईजी टू यूज ऐप है इसकी, आप उस ऐप के अंदर डालते हैं ये कलर और वो जो आपने रंग देना है आप उसको दें, आप फिर जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं आप उसके ऊपर कलर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये भी एक बड़े मजे की चीज़ है इस टेक्नोलॉजी की। मैं आपको कहने कि अगर हमारे अभी हालात बेहतर होते कि कोरोना का नहीं होता तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस सेंटर इनवाइट करता और वहाँ पे मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता, ठीक है, क्योंकि कहने में और उसको देखने में और एक्सपीरियंस करने में तीनों में बड़ा फर्क है। वो विजुअलाइजेशन में कंपैरेटिवली हम ज्यादा अच्छे से परसीव कर सकते हैं कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सर आप मुझे बताएं कि इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए हम लोग बात करें, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बच्चों को टेक्नोलॉजी तो बहुत आती है मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली हमसे ज्यादा ही आती है, लेकिन उन्हें साथ साथ ये बताना कि साथ बैठ के बड़ों के और ये वैल्यूज और नॉर्म्स ये साथ से डाइजेस्ट करना, ये मेरे ख्याल से हमें अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में आजकल हमने फोन देना शुरू कर दिया, हमने टैब देना शुरू कर दिया, बिल्कुल कैसे करें इस चीज को ओवरकम? टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चैलेंज है सबके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती है।
मैंने किसी से एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि, और ये बात मैं ऑनलाइन क्लासेस और बड़े बच्चों के हवाले से कर रही हूँ, जो कि छोटे बच्चों को तो हम खुद पकड़ाते हैं ना, बड़े बच्चे तो आजकल पूछते भी नहीं है और वो लेके बैठ जाते हैं, मुझे लगता है उनका हक है। एग्जैक्टली, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब आप अपने घर में क्लास अटेंड कर लें, आप अपना काम कर लें घर से, तो उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को उसी कमरे में छोड़ दें, उसको अपने साथ आपने कैरी आउट नहीं करना कमरे से बाहर, और आप फिर उसके बाद बाकी दिन अपना कैसे गुजारना है वो देखें कि मैंने खेलना है, मैंने बड़ों के साथ बैठ के थोड़ी देर खाना शाना खाना है। बट वी आर इंटरलिंक्ड विद टेक्नोलॉजी इन दीज टाइम्स एंड इन सम हाउ द अदर वी हैव टू एक्सेप्ट के ये एक हिस्सा बन चुका है हमारा, बिकॉज बच्चे तो वही करते हैं जो हमें वो देखेंगे, हम सारा वक्त यूं बैठे होते हैं। Yes. ये हमें even though कि हम काम कर रहे होते हैं, even काम कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम भी यूं होते हैं। Yes. तो डिफाइन करनी चाहिए टाइम्स, और छोटे बच्चों का आप अगर टेक्नोलॉजी को यूज ही कर रहे हैं तो उसको लर्निंग के लिए यूज करें, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे वो कॉन्टेंट दिखाएं जो कि जिसमें कोई लर्निंग एलिमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। आप अगर छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आप कलर्स लगा दें उसको, डिफाइन करें कि टेक्नोलॉजी टाइम देना है मैंने दिन का 15 मिनट, इट शुड बी गुड। बाहर जर्मनी वगैरह में तो अगर आप किसी को जाके बोलें कि जी मैंने बच्चे को दिन एक हफ्ते में दो घंटे टेक्नोलॉजी दी है, तो वो फॉर देम इट इज अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन दिस, दे से कि योर चाइल्ड शुड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, और आप जो उसको इसके आगे बिठा देते इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बट अगर अब ये एक जिंदगी का हिस्सा बन ही रहा है और बन चुका है बहुत वाइटल तौर पे, और हम कोई ऐसी बात ना ही बोलें जो कि नहीं हो सकती है, तो आप बच्चे को अगर दे रहे हैं तो उसको कुछ लर्निंग की चीजें दिखाएं, बजाय इसके कि आप उसको वो कंटेंट दिखाएं जिससे वो कुछ नहीं सीख रहा, जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। sure, sure. देखें, आप बच्चों को उनके वक्त के हिसाब से बड़ा करें, आप उनको अपने अपने वक्त के हिसाब से बढ़ाना करें। बच्चों ने आज से 15-20 साल के बाद जॉब मार्केट में जाना है, अगले 15-20 साल जो उन्होंने पढ़ना है वो सारा टेक्नोलॉजी और इस चीज के रिवॉल्व करना है। आप बैलेंस करें, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी से उनको दूर ना करें, और ये ना आप समझें कि इसके कोई बड़ी मनफी असरात होने हैं, आप बैलेंस करें, आप उसके ऊपर चेक रखें, जिस तरह सार ने बोला कि आप देखें क्या क्या कॉन्टेंट देख रहे हैं क्या नहीं है। आप बिल्कुल बच्चों को टेक्नोलॉजी दें जो वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने वक्त के हिसाब से हैं। और मैंने और तब्रेज़ ने अपनी चॉइसेस ऑफ वाचिंग कंटेंट बदल दिया है बच्चों के सामने। हम दिस वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन दैट वी मेड कि अब हमें कुछ पसंद है तो वो बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो कंटेंट इमोशनली भी नहीं है, हम नहीं देखते। और अब इतना कंटेंट है, मैं आपको बता, देखिए जब हम बड़े हो रहे थे तो सिर्फ दो ही चैनल होते, जैसे बताया पीटीवी एसपीएन, और वो इंडियन कंटेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस होता था पाकिस्तान में, और जिस किस्म की फिल्में भी आती थी वो बड़ी अजीब सा। अब हम सोचते हैं कि हम क्या देखते थे, कहते यार ये क्या बकवास है यार, एग्जैक्टली शौक से देखते थे, क्या बकवास प्लॉट होता था। हम अपने बच्चों को कुछ नहीं ऐसा दिखाते, मेरे बच्चों को, क्योंकि हम सबके पास अब ये एक चॉइस है कि हम अपने बच्चों को सिलेक्टेड कंटेंट दिखाएं। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है डिजिटल की, यूट्यूब के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म से इतने पॉजिटिव कंटेंट है कि आप बच्चों को वो दिखाएं, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आती जो कि आप बच्चों को वक्त से पहले नहीं बताना चाहते, नहीं रेफरेंस उसका देना चाहते। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है बच्चों के लिए। अब जैसे कि नेटफ्लिक्स है, उसके ऊपर बच्चों के लिए बहुत कॉन्टेंट है, और इतनी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर बच्चों के लिए बड़ा पॉजिटिव कंटेंट है। जिस टाइम पे उन्होंने खेलना है खेलें। अब देखें पूरी दुनिया के अंदर गेमिंग कॉम्पिटिशन होते हैं बच्चों के, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वो जीत के आते हैं। और गेम्स ऐसी चीज है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उस रिसर्च के मुताबिक गेम्स से जितने आपके बच्चे कॉग्निटिव प्रोसेस चलता है, जितना वो एक्सप्लोर करते हैं, जितना वो सोचते हैं, जितनी उसकी जहालत मजीद बढ़ती है वो गेम से बेसिकली। गेम खेलने के लिए भी दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए होता है। अच्छा तब इस कैसे कंक्लूड करेंगे, क्वारंटीन में लॉकडाउन में और कोविड-19 में चीजें काफी मुतासर हुई हैं, आपका बिजनेस भी मुतासर हुआ होगा, तो ये जो गैप आ गया है आपको क्या लगता है बीइंग इंडिविजुअल हम इसके आपको कैसे कवर कर सकते हैं? देखें सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा कि मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, और अभी एक सख्त वक्त है पूरी दुनिया में सबके लिए। ये हम सब, यहाँ तक कि हर हुकूमत भी इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है कि हमने आगे किस तरह जाना है, हमने करना क्या है। और अभी मेरे ख्याल से पूरी ह्यूमैनिटी जो है ना वो इस वक्त एक एक्सपेरिमेंटल फेज के थ्रू गुजर रही है। लॉकडाउन भी था, ये एक एक्सपेरिमेंट था, किसी को पहले तो नहीं पता था ना कि हमने इसको इस तरह डील करना है, और ये जो वबा है इसका तो अभी समझ भी नहीं है कि हमने इसको किस तरह आगे इसको खत्म भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अब जिंदगी वापस हम उस जिंदगी की तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं,
आहिस्ता आहिस्ता हम अपने लोगों से भी मिलना शुरू कर, बिल्कुल डिस्टेंस के साथ कर रहे हैं. थोड़ा वक्त लगेगा, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और सब दुनिया भी वापस ट्रैक पे आ जाएगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत मजा आया, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन. रीकंक्लूड प्रोग्राम को सिर्फ ऐसे करूंगी कि आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द राइट लेफ्ट देखें, बच्चों को देखें वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट आर्ट हो, वो फ्लावर आर्ट हो, वो आपको कोई वुड आर्ट हो या व्हाट सो एवर, आर्ट आर्ट होते हैं. बच्चों को करने दें, बड़े क्या कर रहे हैं उनको देखें. अगर आप उन्हें वो करने देंगे जो वो चाहते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज आप कभी भी मीट नहीं कर सकते. लेट देम नो, उन्हें करने दें, उसके बाद उसका रिजल्ट देखें. आज के प्रोग्राम से मेजबान सोहा अफसल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.